हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पिरिट एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं और आज मैं आपके लिए कुछ इडियम्स लेकर आई हूँ और सभी इडियम्स इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं, इनको नोट डाउन करिएगा मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं क्लास को। गॉड्स ऐप। गॉड्स ऐप का मीनिंग होता है आ बोर्न फूल। गॉड्स ऐप इडियम है और इंपॉर्टेंट इडियम है। गॉड्स ऐप का मीनिंग होता है आ बोर्न फूल, जन्मजात मूर्ख होना। गॉड्स ऐप जो जैसे बच्चा पैदा होता है, जन्मजात होता है, वो भगवान की साइड से ही होता है, वो माइंडेड है या फूल है। तो हम इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो भगवान की साइड से होता है तो वो क्या होता है, आ बोर्न फूल होता है, जन्मजात मूर्ख होता है। ओके, तो गॉड्स ऐप का मीनिंग होता है आ बोर्न फूल, जन्मजात मूर्ख होना। गॉड्स ऐप, ऐप कहते हैं बानर को। तो आप इस तरह से भी हिंट लगा सकते हैं, गॉड का, भगवान का बानर। यही बानर कैसा होता है, बानर के अंदर बुद्धि तो होती नहीं है, वो कैसा होता है, फूल होता है। तो गॉड्स ऐप का मीनिंग हुआ आ बोर्न फूल, एक जन्मजात मूर्ख होना। ओके, तो इस तरह से आप इसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा, सी इज अ गॉड्स ऐप। वह क्या है, जन्मजात मूर्ख है, आ बोर्न फूल है। ओके, तो सी इज अ गॉड्स फूल, सी इज अ बोर्न फूल, वह जन्मजात मूर्ख है। ब्लेज ऑफ लाइट। ब्लेज ऑफ लाइट हमारा नेक्स्ट ईडियम है और इम्पोर्टेंट ईडियम है ये भी। ब्लेज ऑफ लाइट का मीनिंग होता है डेजलिंग ऑफ लाइट, चकाचौंध। चकाचौंध हम जिसको बोलते हैं, चमक धमक बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्लेज ऑफ लाइट। ब्लेज का मीनिंग ही चमक होता है, लाइट रोशनी की चमक होना। ओके, चकाचौंध होना। द प्रेजिडेंट ऑफ द यूएसए वॉज वेलकम्ड इन द ब्लेज ऑफ लाइट, कि यूएसए के प्रेजिडेंट का चकाचौंध से स्वागत किया गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे इडियम और याद भी हो रहे होंगे साथों साथ मेरे। तो नेक्स्ट इडियम है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का मीनिंग होता है इन अ डिलेमा, दुविधा में होना। जब आप दुविधा में होते हो, जब आप दो एक समान परिस्थिति में होते हो, दो एक समान मुसीबत में फंस जाते हो, तो उसके लिए आता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। एक तरफ समुद्र, सॉरी, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। आप ये इडियम तो सुना होगा आपने कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। तो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, भूत और, डेविल कहते हैं भूत को, भूत और गहरे समुद्र के बीच में। जब आप दो एक समान की, भूत भी क्या है आपके लिए डिलेमा है और सी भी डिलेमा है, तो दोनों चीज से क्या है आपको, खतरा है। जब आप दो एक समान परिस्थिति में, दो एक समान मुसीबत में फंस जाते हो, उसके लिए आता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी इन अ डिलेमा, दुविधा में होना, कि मैं इस परेशानी से कैसे निकलूं, इससे बाहर निकलूं या दूसरी परेशानी से बाहर निकलूं। इस तरह से आप याद रखेंगे। हैविंग हेल्प अ क्रिमिनल लाइक हिम मिसेस सिन्हा हैज फैलन बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, कि हैविंग हेल्प अ क्रिमिनल लाइक हिम, उसके जैसे क्रिमिनल की मदद करके, उसके जैसे क्रिमिनल की सहायता करके, मिसेस सिन्हा हैज फैलन बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, मिसेस सिन्हा मुसीबत में पड़ गई हैं, मुसीबत में फंस गई हैं या वो दुविधा में पड़ गई हैं। ओके, इस तरह से आप याद रखेंगे और याद हो गया होगा आपकी, मैंने एग्जाम्पल भी इजी लिए हैं आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट ईडियम है क्रिएचर कम्फर्ट्स। क्रिएचर कम्फर्ट्स का मीनिंग होता है लग्जरीज, ऐसो आराम मिलना, ऐसो आराम, जिस व्यक्ति को ऐसो आराम मिलते हैं उसके लिए हम यूज कर सकते हैं क्रिएचर कम्फर्ट्स। ईडियम है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्फर्ट से आप याद रख सकते हैं जो आराम करते रहते हैं, जिनके पास लग्जरी होती है, पैसा होता है बहुत, वो क्या करते हैं, आराम करते रहते हैं। तो क्रिएचर कम्फर्ट्स, लग्जरीज, ऐसो आराम। बींग द सन ऑफ अ रिच मैन ही कैन अफोर्ड क्रिएचर कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ, कि बीइंग द सन ऑफ अ रिच मैन, रिच मैन का सन होने के नाते, रिच मैन का बेटा होने के नाते, जो धनी व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति का बेटा होने के नाते, ही कैन अफोर्ड क्रिएचर कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ, वह जीवन के ऐसो आराम अफोर्ड कर सकता है। ओके, तो वो क्या है, रिच मैन होने के, रिच मैन का बेटा होने के नाते वह सभी जीवन के कम्फर्ट्स, सभी जीवन की लग्जरीज ले सकता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप याद रखेंगे, सभी इडियम्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट डाउन भी करते रहिएगा मेरे साथ। नेक्स्ट है डार्क हॉर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। ओके, बहुत बार, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड इडियम है, अ कंपटीटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज। डार्क हॉर्स का मीनिंग होता है एक अप्रत्याशित व्यक्ति, जो जिसके अंदर कैपेबिलिटी की कमी होती है। अ कंपटीटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटी, की अज्ञात
क्षमता का एक प्रतियोगी, जो कंपटीटर है उसके वो क्या है, एक अननोन कैपेबिलिटी वाला है, क्या प्रत्याशित व्यक्ति है। द प्राइज वेंट टू डार्क हॉर्स, प्राइज वेंट टू डार्क हॉर्स, प्राइज डार्क हॉर्स को गया, प्राइज एक अननोन कैपेबिलिटी को गया। ओके, जो प्राइज दिया गया एक अननोन कैपेबिलिटी, जो अज्ञात क्षमता वाले को दिया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ईडियम, और सभी ईडियम्स मैंने इंपोर्टेंट लिए हैं, इनको नोट डाउन करिएगा अपनी नोटबुक में। आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर से जरूर करें फ्रेंड्स, आपके लाइक ही मुझे क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो चैनल पर न्यू हैं, और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।